बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज जी हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। आज हम बनाएंगे पतीसा। जैसा कि पहली एक रेसिपी मैंने आपको पतीसा बर्फ़ी बनाना बताया है, और आज हम पतीसा बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और अगर आपको भी पतीसा खाने का शौक़ है तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से बनाना है इसको। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी लिया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप देसी घी इस्तेमाल करें इसमें, या दूसरा कोई भी घी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने ये 3 चम्मच देसी घी के ले लिए हैं, और इसमें मैं अब डालूंगी 2 कप मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 कप मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी। और बेसन लिया है मैंने 2 चम्मच, यही जो टेबलस्पून है, 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है इसके अच्छे टेस्ट के लिए। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करती हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, ये कच्चा ना रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो गुठलियाँ बन रही हैं, जहाँ जहाँ घी है उसको भी अच्छे तरीके से हमने इनको मेल्ट करना है। देखिए आप कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। और देखिए नाज़रीन, अब इसका कलर कितना परफेक्ट हो गया है। पहले वाइट था और अब इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसको भून लिया। और अब जी मैं इसको छान लूँगी। अब क्या करना है, इसको छाननी में हमने छान लेना है। आग को बंद कर दिया है और अब इसको छान लेते हैं। अब मैं इसको एक खुले बर्तन में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने इसको छान लेना है सारे को। उसको हमने छान के ठंडा होने के लिए रखा है, और अब मैं इसकी चाशनी तैयार कर लेती हूँ साथ, जिसके लिए मैंने ये ले लिया है तकरीबन 2, जिसके साथ मैंने मैदा मापा था इसी कप के साथ, ये मैंने 2 कप मैदा चीनी ले ली है, और 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड करना है। चीनी को अच्छी तरीके से इसके अंदर हम मेल्ट कर लेंगे। स्लो आंच पे चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। साइडों से हम इसे उतार लेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। साइडों से जो चीनी जम जाती है, शुगर जम जाती है, इसको हमें उतारना है।
ताकि वो भी इसके अंदर एक दफ़ा हल हो जाए, सारी मेल्ट हो जाए। स्लो आंच रखनी है आपने बिल्कुल, क्योंकि ये साइडों से जल जाएगी अगर आपने तेज़ आंच पे बनाई तो। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी देर ये पकाने से अपना जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर लेती है, गोल्डन हल्की हल्की हो जाएगी, लेकिन इससे हम ज़्यादा तेज़ नहीं करके क्योंकि ठंडा होने के बाद वैसे भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से, और जी अब इसमें मैं क्या डालूंगी, जूस डालूंगी लेमन का, लेमन का जूस एक चम्मच, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस मैंने डाल दिया। अब हमने इसको इतना पकाना है जितना, ज़्यादा हमें इसको रेड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये खुद बहुत रेड हो जाएगी। हमने सिर्फ दो तार वाली चाशनी बनानी है, साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। साइडों से उतारते रहेंगे बार बार, चीनी जो है वो हमारी साइडों से चिपक ना जाए। और जी हम इसको आप चेक भी करेंगे साथ साथ। ठंडा पानी मैंने एक छोटी सी कटोरी में ठंडा पानी ले लिया, इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे, एक मिनट ठंडे पानी में रखेंगे, देखेंगे कि ये ठंडी होने के बाद बॉल बन गई है, बॉल की तरह बन रहा है कि नहीं। अभी जो है थोड़ी सी कसर बाकी है, ये देखिए तैयार हो रही है तकरीबन। एक मिनट सेकंड के बाद फिर चेक करते हैं। अब ये देखें हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है, आग हमने बंद कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया। ये देखिए अब इसका जो बॉल है वो बनना शुरू हो गया। दो मिनट इसको ठंडा करेंगे। अब हमने इसको किसी दूसरे बर्तन में डालना है क्योंकि इसमें ठंडी होगी तो ये उतरेगी नहीं। इसको मैं देखिए, मैंने ये एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, ऑयल लगा लिया इसके अंदर ताकि इसके नीचे चाशनी चिपक ना जाए। और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। चाशनी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है, थोड़ी देर मैंने इसे ठंडा करना है। और जो मैदा है ऑलरेडी वो मैंने उसको छान के रखा है अपने पास, और सारे किचन में से चाशनी की और इसकी बड़ी प्यारी खुशबू फैल गई है। इसके अंदर मैंने डाल दिया, अब इसको मैं एक थोड़ी 2 मिनट ठंडा होने दूंगी। अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, चेक करते हैं इसको। हाथ से ही हाथ को अच्छी तरह धो लें, और इसको हमने ऐसे इकट्ठा कर लेना है। अभी भी जो हमारा ये बर्तन है ये बहुत गर्म है, लेकिन हम इसको गर्म गर्म ही थोड़ा सा इकट्ठा करते जाएंगे।
हाथों पे भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। पैन से निकाल के मैंने इसको इसमें प्लेट में रखा है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरीके से हाथ में पकड़ेंगे। गर्म बहुत है अभी। हमें गर्म ये गल गल कर लगेगा। 8-10 दफ़ा इसको तकरीबन खींच के फिर इस तरीके से हमने इसको पकड़ना है। तकरीबन 7-8 दफ़ा आपने इसको इस तरीके से करना है। ये ट्रे है जिसके अंदर अब हमने आटा, ये जो मैदा था, इसको छान के डाला है। अच्छा, उस दफा 8-10 दफा करने के बाद फिर हम इसको ऐसे इसका रोल सा बना लेंगे। और ये हमने जो आटा रखा है इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रखेंगे आटे के अंदर इसको। खींचेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस तरीके से हम इसको खींचते जाएंगे। सारा आटा हम इसके साथ ही ऐसे लगाते जाना है। इसके ऊपर डालते रहेंगे साथ साथ। देख रहे हैं आपके लच्छे हमारे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं साथ साथ। आटा भी हमारा थोड़ा थोड़ा नीम गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। मुझे गर्म लगा है इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। आप भी ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं अगर गर्म लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा मैदे का भी गर्म होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर गर्म गर्म मैदा डालते जाना है और इसको साथ साथ खींचना है, तो ये गर्म गर्म होगा तो खींचेगा, इसलिए आप ग्लव्स पहन के भी इसको कर सकते हैं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था गर्म, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। इस तरीके से हमने इसको मैदा डालते जाना है ऊपर और खींचते जाना है और साथ इसको यूं फिर बल दिए देंगे, फिर खींचते जाएंगे। खुले बर्तन में इसलिए डाला है मैदा ताकि हम आराम से इसको इसके अंदर जो है वो ना सके। इसमें ज़्यादा कोई कुवत नहीं लगानी पड़ती है, आराम आराम से आपने इसको गरम गरम खींचते जाना है। इस तरीके से आपका ये बेहतरीन जो
अच्छा है वो, तैयार होता चला जाएगा। आप ट्राई करेंगे ज़रूर घर में, थोड़ा सा पहले बना के आप चेक कर लें। तो लच्छा हमारा देखिए बेहतरीन लच्छा हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इसको अभी छोटा छोटा कर दिया इसलिए कि फिर वो बाद में टूटेगा नहीं ठंडा होने पे। देखें छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको कोई भी आप कप ले लें, प्याला ले लें, कोई चीज़ भी ले लें आप, इस तरह का कप ले लें, नीचे आप इसके किशमिश बादाम वगैरह लगा लें। लच्छा तोड़ के आपने इसमें डालना है। इस तरीके से सारे आपने जो हैं लच्छे के पीसेस तैयार कर लेने। थोड़ा आपने इसको दबा के बनाना है इस तरीके से। बना के आप इनको किसी प्लेट में किसी चीज़ में रखते जाएं। ये बनाना बहुत आसान है और आप इनको इंशाल्लाह ताला मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगेबान।